जैन साधियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं जो अन्नदाता पूरी देश के लिए अन्न पैदा करता, आज वो अपना हक मांगने के लिए पिछले 27 दिन से यहाँ धरने पर बैठा है, लेकिन कोई भी सरकारी सरकार नुमाइंदा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए इस विषय में जानकारी करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेखा सिवाला है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज से। ये जो अभी मोदी जी ने साफ लफ्जों में कहा कि हम अपना कोई एक भी कानून वापस नहीं लेंगे, हम अपनी बात पढ़े रहेंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जब हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, क्यों दे रहे हैं हमें? हमें जरूरत ही नहीं है उन कानूनों की। हमारे ये तीनों कानून जो है उनको वापस लेने पड़ेंगे, हमारी MSP पे इनको कानून बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से उठ के जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। तो आगे भी ऐसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का इरादा है या कुछ और प्रक्रिया है? नहीं, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो तो हम सुना देंगे, इन्होंने जाटों से पंगा लिया। आने वाले टाइम में हम लोग किसान नेता हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम में हम किसानों की सरकार बनाएंगे। हम देखेंगे कौन सी सरकार चलाएंगे फिर। ये गुजरात से है, गुजरात ही भेज देंगे। रंडमुंडो की सरकार है, इन्हें पता क्या बालकों का है? हमारा बालक है, हमें पता हम कैसे कैसे खेती करें। अभी रामलीला मैदान में रामलीला मैदान में किसान समर्थन में कुछ किसान आए थे, उनके बारे में? देखो जी, रामलीला मैदान में जो समर्थन में आए थे, हमारे मेरठ में एक वो बैठा बाबा जी महाराज बना चंद्रमोहन, ठीक है, वो आसपास के जो उसके चेले चपटे होंगे उनके ट्रैक्टर इकट्ठे करके ला के और उस मैदान में रख दिए ले जाके, हैं? और वो बिक गया होगा चंद्रमोहन, वो कौन सा कसर का, वो भी बिक गया होगा, उसको दे दिया होंगे ना पैसे, और बस उन आसपास के ट्रैक्टर इकट्ठे करे, हाँ उल्ला मचाया। और बीजेपी का बीजेपी ओमपाल भाटी है, मैं राष्ट्रीय किसान यूनियन बलराज का राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी केवल किसान समझ पाया है कि किसान विरोधी कानून है। अभी 135 करोड़ जनता नहीं समझ पाई है कि ये जो कानून बना है ये सबके विरोध में आया है। जब ये भंडारण होगा तो किसान क्या करता है? किसान तो अपना भंडारण एक साल का कर लेता है, लेकिन वो जनता, वो पब्लिक, वो कैसे भंडारण करेगी? जब ये नौके माल को 100 में बेचेंगे तो परेशान कौन होगा? किसान तो पहले भी बेच रहा था, आज भी बेच रहा है। किसान तो ये तीन कानून मांग ही नहीं रहा था। किसान बात कर रहा था केवल MSP पे कि MSP को गारंटीड किया जाए। किसान ये कानून नहीं मांग रहा था। ये कानून किसान विरोधी नहीं है, 135 करोड़ जनता के विरोध में कानून बनाया गया है। जब तक ये अभी ये कानून सब समझ रहे हैं, पूरी जनता समझ रही है, इकट्ठा हो रही है जनता। आप केवल ये लोग देख रहे हैं जो लाखों लोग यहाँ हैं, अपने घर में भी आंदोलन हो रहा है। अब सब तहसील तहसील विरोध होगा, गांव गांव विरोध होगा, जिले जिले विरोध होगा, हर जगह विरोध होगा। जो किसान जहां रोक दिया जाता है, ये सरकारें क्यों रोक रही है इन किसानों को, जब हम इनके विरोध में कोई काम ही नहीं कर रहे। ये काले कानून को वापस लें, नहीं तो ये जनता, ये पब्लिक, ये पूरा 135 करोड़ जनता गांव गांव बैठेगी। जहां इनको रोका जाएगा वहीं आंदोलन करके रोक। कंपनियों को पहले दी जा चुकी है, बिग बाजार क्यों खरीदा अंबानी ने? 3 करोड़ रिटेल शॉप क्यों खोलेंगे अंबानी? जियो और जो है 3 करोड़ शॉप खोल करके स्टेट बैंक से क्यों जोड़ेगा? इसलिए कि सारा पैसा जो जनता का है वो गिर जाएगा रिटेल शॉप में। जब अंबानी का रिटेल शॉप चलेगा तो गरीब जनता का रिटेल शॉप नहीं चलेगा। इसलिए ये जो तीनों कानून, तीसरी चीज अकूत भंडारण का जो कानून उन्होंने उनको दे दिया, जब जमाखोरी का कानून खत्म हो जाएगा, बोले जमाखोरी नहीं मानी जाएगी, अकूत भंडारण हो सकता है। ये बोरिंग हाउसेज उनके पहले तैयार हो चुके हैं। तो ये तीन कानून और श्रम कानून, ये तीन चीन पांच कानूनों को बनाने के लिए मोदी जी को 2014 में कंपनियों ने लाया था। गलती से किसान में जो नहीं समझ पाए और अच्छे दिन के नाम पर उनको डाल दिए, लेकिन ये कंपनियों के आदमी है। और अंबानी अडानी के पीछे ऐसा नहीं अकेले है, वो वालमार्ट खड़ा है, क्योंकि खुदरा व्यापार जो है भारत में वालमार्ट को मोदी जी ने अभी जारी किया है, अमेजन खड़ा है, फ्लिपकार्ट खड़ा है। साफ साफ है कि मोदी जी जो पूरे दुनिया में घूम करके 5-6 सालों से बड़ा मिला रहे थे, आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, तो निवेश नहीं कराना था, दुनिया के कंपनियों को बुलाकर भारत को बेचना था, जिसकी वजह से आए थे। और बड़ा इन्वेस्टमेंट 2014 में हुआ था, 1,15,000 करोड़ रुपया अंबानी को ने, हमारी अंबानी और टाटा ने जब कहा विकास पुरुष है, फिक्की और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों ने कहा कि विकास पुरुष है, तो 1,15,000 करोड़ रुपया लगाया था मोदी जी को सरकार बनवाने में 2014 में। और पुलवामा का हमला ना, ये 2019 में जो कानून बाकी था इसके लिए हुआ।
और इसलिए स्ट्राइक फर्जी हुई, दावे के साथ कहा जा सकता, जांच होगी 10 साल और पता चलेगा। और इसलिए 19 में जो दो कानून बाकी थे, इसलिए 19 में कानून बनवाने के लिए फिर रोका गया कि आइए, क्योंकि राशन मोहम्मद नहीं था, राशन कानून कैसे पास किया चोरी से कोरोना काल में पास किया। तो किसान कह रहा मुझे कानून नहीं चाहिए, और आप कह रहे आपको कानून चाहिए। अरे खाने वाला कह रहा है कि मुझे भोजन नहीं मिला, और कह रहे हैं इनका पेट भर गया है, फिर वो कहते हैं इनको भूख लगी हुई है, लेकिन भूख नहीं लगी हुई है। ये उल्टी जो है, उल्टा जो मामला चल रहा है कि हमें कानून नहीं चाहिए, वो कहना चाहिए। अरे कौन सा तमाशा है? तो मोदी जी आमादा है कि हम कानून पास कर दिए हैं, एक्ट बन गया है तो हम लागू करेंगे, और हम आमादा है कि किसी भी कीमत पर कानून लागू नहीं होने देंगे। देश की धरती पर कानून लागू होगा ना, इन्हीं किसानों पर कानून लागू होगा। सभी किसानों की बात सुनिए आपने, ये केवल जो है गाजीपुर नहीं, टिकरी आप देख रहे हैं, आप सिंधु बॉर्डर देख रहे हैं, आप अभी मुंबई से चले हुए देख रहे हैं, कल जो है उनके कारपोरेट हेडक्वार्टर पर हमला हुआ देख रहे हैं, खट्टर को हरियाणा में किस तरह से किसानों ने भगाया देख रहे हैं। तो आप देश में देख रहे हैं किसान कैसे खड़े हुए, और पूरे यहां से लेकर गुवाहाटी तक चले जाइए, कोई जिला कोई तहसील बाकी नहीं है जहां पर किसानों का धरना न चला। मैं देवरिया से आया हुआ हूं, और लगातार मैं हर जिले में जाकर के बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कोई जिला बाकी नहीं है, पटना, एक और कई आंदोलन है। उनके जो किसान मोर्चा के लोग हैं, जो तमाम कई फल लेकर बैठे कालीना के तरह से, वो कभी दुर्गा वाहिनी बन जाते हैं, कभी आरएसएस बन जाते हैं, कभी वो भाजपा बन जाते हैं, कभी स्वदेशी जागरण बन जाते हैं, कभी मजदूर संघ बना लेते हैं, कभी किसान संघ। वही उनके लोग हैं जो रोज बुला के बात करते हैं। नरेंद्र तोमर देश का फरार आदमी, अमित शाह जो तरी पार, वो देश के किसानों की नींद तय करेंगे, जिन पर खुद ही देश के लोगों ने भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में तरी पार जिसको किया, वो किसानों का अच्छा कानून है। बंगाल में क्या बोला उसने, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे बोला बंगाल में, ममता अकेले रह जाएंगी। अरे ये हिम्मत देश के गृह मंत्री को कि लोकतंत्र को खत्म करने की बात करता है, ये हिम्मत देश के गृह मंत्री को कि संसद में बोलता है कि 50 साल राज करेंगे, ये राजतंत्र है क्या? इसका मतलब है संसद बंद कर दिया, हिम्मत हो तो संसद क्यों नहीं चलाता? लोग शीत करने में चलना चाहिए ना। आप जानते हैं पत्रकार है, बुद्धिजीवी लोग हैं, और आप जानते हैं कि शीतकालीन अधिवेशन चलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसान में भ्रम है, किसान कह रहे हैं कि हम अपनी ही फसल पर मजदूर बन जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ जमीन का नहीं फसल का एग्रीमेंट होगा, तो सिर्फ फसल का एग्रीमेंट, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये सब भ्रम है किसान को, तो भाई हमें भ्रम नहीं, भ्रम मोदी को हो गया, जिसका कोई रोका टोका नहीं रहता, बेलगाम का घोड़ा हो आवारा फिरन लगे, यह आवारा फिरा पर हम समझ नहीं पाए। 5 साल पहले फिरा, फिर हमारा दुर्भाग्य था 7 साल फिर दे दिए, यह हमें बेच रहा था, और अंग्रेज तो आगे थे धोखे थे, और इब देश भी इस मोदी थे नहीं बिकता दावे थे हम कह रहे, और किसान जा कहेगा यहाँ की माँ कुछ सड़क चौक फोर लाइन खोदागा, जहाँ कहेगा वही रुकेगा, किसान तैयार या बैठा हमारा तो यो कहना भाई, किसान बिल्कुल तैयार है। इसे 5 साल धोखा कहा कि 5 साल में बेच लिया, 2.5 साल ही बेच लिया, 3.5 साल में गुजरात को, 3 बार में गुजरात को बेच के चला आया, तो इस किसान का दुर्भाग्य ना 370 लड़ाने पे, मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने पे, या कुर्सी कब जाई, अब वो काम चलने वाला नहीं है। सिद्धि जब किसान बिल्कुल तैयार है, 1 दिन लगे चाहे 100 दिन लगे, मोदी जाएगा तो किसान बचेगा नहीं, बचता नहीं, और भाई साहब नहीं बेच गया हो, और उन लोगों को तो लोग नोच का खा लेंगे, पहाड़ का जनता जब भूखी हो ना तो नोच का खा ले, बीच में तो काट का खा लेंगे लोग, अब वो धोखा इसका खत्म हो गया। बदला है कि किसान अपने आंदोलन से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वही किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करता है, वही किसान जो भरी सर्दी भरी गर्मी में अपना घर बार छोड़कर इस पूरी जनता के लिए अन्न पैदा करता है, वही किसान आज अपना हक मांगने के लिए पिछले 27 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, देश के दिल्ली के हर कोने पर, हर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल इन नौजवानों किसानों के मन में है, इन बूढ़े किसानों के मन में है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका ये जवाब देना, किसान जो दिल्ली सरकार जवाब देना नहीं चाह रही, केंद्र सरकार जवाब देना नहीं चाह रही, या इनके पास कोई जवाब नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इनके मन में है, लेकिन इनकी मन की बात को सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ डॉक्टर खलील पवार, दिल्ली न्यूज, गाजियाबाद।